एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेडीवी उड़ीसा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट मैथ पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 3 ए डिस्कशन करिबा। टोटल 36 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आप चाहिले आउट ऑफ 36 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी आपनर ओएसटीटी बीएड सीटेट एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका एंड आप मानकर सीयूईटी समस्त टीचिंग एग्जाम ओएबीएस समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, से कहते मैथमेटिक्स रो नेचर कौन, गणितर प्रकृति कौन बा तार स्वरूप कौन बोली से पचार। ऑर्नामेंटल लॉजिकल डिफिकल्ट ना नॉट फॉर कॉमन। तो मैथमेटिक्र नेचर कौन से पचारि, तार कैरेक्टरिस्टिक कौन पचार, तार नेचर हो कौन, या भितर कौट हम ना लॉजिकल हम लॉजिकल माने जुक्तिमूलक। तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन द क्लासरूम इज डैश, से कहे आमर क्लासरूम विजुअल एड बा दृश्य उपकरण को आम यूज कर तार मुख्य उद्देश्य कौन, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू स्टूडेंट्स ना टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स ना ऑल ऑफ द अबव। तो देखु मेन ऑब्जेक्टिव हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य हूँ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, पिलामानकर गोटे विजुअल एड बा दृश्य उपकरण को कौन यूज करने द्वारा कौन होना पिलामानकर ध्यान केन्द्रित हो गोटे से ही जो विजुअल दृश्य उपकरण पर सब पिलामानकर ध्यान रहिबो। तो ध्यान को अट्रैक्ट करने ध्यान केन्द्रित करने आमर विजुअल एड र मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही उच्च श्रेणी में जामितिर जुक्तिमूलक प्रमाण शिक्षादान क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट अटे बा सर्वोत्कृष्ट अटे, सर्वोत्कृष्ट कौटा से पचार। उच्च श्रेणी में जामितिर जुक्तिमूलक प्रमाण शिक्षादान कौटा आमर आरोह अवरोह ना प्रकल्प ना शिक्षण कार्य ना विश्लेषण संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर जी कौन ना आमर ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण और संश्लेषण। ये क्वेश्चनटा सेम क्वेश्चन नेक्स्ट इयर आप टे मोडिफाई कर पचारि आप देखने आउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ये क्वेश्चन आप देखते ये आमर दे कौन ना जामिति जुक्तिमूलक समस्या समाधान निम्ते निम्नोक्त मध्यरु केउ पद्धति व्यवहार करा जाय थाय। सेम क्वेश्चन ये विश्लेषण ना संश्लेषण, प्रथम विश्लेषण पर संश्लेषण ना अवरोह। देखु जामिति जुक्तिमूलक समस्या समाधान निम्ते आमर कौ पद्धति व्यवहार करा जिवो ना आमर प्रथम विश्लेषण पद्धति तापर संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो आमर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो आमर करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन में किसी फरक नुह, ये उच्च श्रेणी में लगे बाकी किसी ना उच्च श्रेणी में जामितिर जुक्तिमूलक प्रमाण शिक्षादान कौटा सर्वोत्कृष्ट अटे तो आम विश्लेषण संश्लेषण कले ये ठीक होता है आपर तापर क्वेश्चन ये आउ गोटे वर्ष पचार प्रिवियस ईयर क्वेश्चन सब ए क्वेश्चन टा पचार जामितिर जुक्तिमूलक समस्या समाधान निम्ते निम्नोक्त मध्यरु कौ पद्धति व्यवहार करा जाए। ये ऑप्शन खाली चेंज कर दे तो ये आम कौन हम प्रथम विश्लेषण तापर संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विथ व्हाट सब्जेक्ट इन द प्राइमरी स्कूल करिकुलम हैज मैथमेटिक्स को रिलेसन, से कहे प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम क्यों विषय सह गणितर सह संपर्क अच्छी को रिलेसन अच्छे क्या सहित जनरल साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज सोशल स्टडीज ना ऑल ऑफ दिस। तो देखो गणित को आम कौन कह जाए क्वीन बोली क्वीन ऑफ साइंस बोली कह जाए। तो देखु आमर गणितर साधारण विज्ञान सहित संपर्क रही परिवेश अध्ययन सहित रही सामाजिक पाठ सहित रही तो सब गुड़ा सहित रही सब समस्त समस्त आमर सठिक अटे। ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव बा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी स्टेज, से कहे प्राथमिक स्तर में जामिति पढ़ाई क्यों पद्धति अवलंबन करा जाए प्राथमिक स्तर से पचार। प्राथमिक स्तर में विश्लेषण संश्लेषण यहाँ तो प्राथमिक स्तर में काम दबनी आरोह अवरोह ना विश्लेषण आरोह ना आरोह संश्लेषण कौन हम आम प्राथमिक स्तर में कौन हम ना इंडक्शन एंड डिडक्शन आमर आरोह अवरोह पद्धति उपयुक्त अटे। ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट देयर इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से कौन क्योंटी गणित पाठ्यपुस्तक न था कौटा न था वर्कड आउट प्रोब्लम्स प्रैक्टिस प्रोब्लम्स मेथड ऑफ लर्निंग ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ग्राफ्स देखु आमर गणित पाठ्यपुस्तक समाहित प्रश्नावल यहाँ तो रोचे आम गणित पाठ्यपुस्तक आभ्यास प्रश्नावल यहाँ भी रोचे आउ जमित चित्र आ ग्राफ यहाँ भी रोचे कितु मेथड ऑफ लर्निंग यहाँ आमर गणित पाठ्यपुस्तक न था यहाँ आम मेथड ऑफ लर्निंग आम कौन टीचर मानी जो पेडागोजी सेक्शन पढ़ा होती है टीचर मान बुक थाए पेडागोजी सेक्शन बुक टीचर मानक थाए तो ये आपर गणित पाठ्यपुस्तक लर्निंग मेथड शिक्षण पद्धति मेनसन न था तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर शिक्षण पद्धति ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर मेथड ऑफ लर्निंग इज नॉट देयर इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज मोर चाइल्ड सेंटर्ड से कौन या भितर कौटा अधिक आमर चाइल्ड सेंटर बा शिशु केंद्रिक कौ मेथडटा अधिक शिशु केंद्रिक विश्लेषण संश्लेषण आरोह अवरोह ना क्रीड़ा तो देखो आप एनालिसिस सिंथेसिस इंडक्टिव डिडक्टिव ना प्लेवे मेथड से कही मोर चाइल्ड सेंटर्ड छोट छुआ तो सी कौन बेसी क्रीड़ा को खेलकूद को पसंद कर तो आमर क्रीड़ा बा प्लेवे मेथडटा हूँ मोर चाइल्ड सेंटर्ड अटे मोर आमर कौन हम ऑप्शन नंबर डी प्लेवे मेथड इज मोर चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए पुपिल इज एबल टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड ग्राफ्स नीटली एंड करेक्टली व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हैज ही अचीव्ड से कहे जड़े छात्र परिष्कार और निर्भुल भाव में जामितिक चित्र और ग्राफ अंकन कर गणित शिक्षण क्यों लक्ष्य हासिल कर तो सी जदि जमीसी चित्र निर्भुल आरिष्कार भाव कर कौन तार नलेज अच्छी ज्ञान अच्छी से विषय तार बोध अच्छी से बुझी पार्टी कहीं तार टिके भी भूल होनी एकदम परिष्कार नीट लिखि पार्टी तो बुझीपारी आरोप क्रियात्मक मान से प्रयोग कर तो ये सब गुड़ाक नलेज ताकत अच्छी से नीटली एंड करेक्टली से लिखिपी तो ऑप्शन डी होल ऑफ दिज इज एबो ऑल ऑफ दिज ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस देव कि ऑल ऑफ द एबव दे जहाँ देखा टिक मारे एबव जहाँ मैंने उपरोक्त समस्त ऑल ऑफ दिस मैंने ए समस्त तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक परीक्षण रे जो उद्देश्य रे प्रस्तुत होता है ताई उद्देश्य परिमापक परीक्षण क्यों गुण को सूचाई थाए तो देखो गोटे परीक्षण आमर करा प्रस्तुत करा जाए से जो उद्देश्य प्रस्तुत करा जाए जदि से ही उद्देश्य को से परिमाप करुच्ची फुलफिल करुच्ची कौन कहुए वैधता बोली कहुए कौन कहुए वैधता आमर इंग्लीश कहुए वैलिडिटी बोली कहुए वैलिडिटी कहुए ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक विद्यालय गणित शिक्षादान प्रारंभिक अवस्था शिक्षार्थी क्यों दक्षता पर गुरुत्व देवा आवश्यक को दक्षता पर संख्या परिचित गणन संख्या गुणन भागक्रिया गाणितिक संगतर प्रयोग और संगतर प्रयोग उच्चता और ओजन माप परिमाप कौन हम प्रारंभिक प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय गणित शिक्षादान प्रारंभिक अवस्था शिक्षार्थी को दक्षता गुरुत्व दि दिया जाए बोली से पचारि को से स्टार्टिंग छोटे छुआ गोटे प्राइमरी स्कूल रे कौन हम ता संख्या परिचित और गणन संख्या को एटा एटा को एक कह जाए को दुई कौन कहुचर आम कह एक दुई तीन गणली कह तो ये सी करपर प्राथम प्रारंभिक स्टेज तापर से जहाँ किसी कर संख्या गुणन भाग के तो स्टार्टिंग से करें कहीं संख्या से जान नौटा एक कौटा दुई जान नो संख्या तो भी नुह कि ओजन उच्चता ओजन परिमाप भी नुह ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर संख्या परिचिति परिचित और गणना गणन ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कौटा गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे से पचार देखो ये क्वेश्चन आप भावन जटा मैथ ही आसो मैथ्रे आसमर साइंस भी आस क्वेश्चन आप सोशल स्टडीज भी आसीज आप नॉर्मल सीडीपी सेक्शन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी सेक्शन में क्वेश्चन आसूँ पेडागोजी आप जेकोसीपे तो से कहे व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कौटा गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे मैचिंग टाइप कंप्लीशन टाइप मल्टीपल चॉइस रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप कौटा
देखु वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होची मैचिंग टाइप हो गला मैचिंग टाइप कंप्लीशन टाइप मल्टीपल चॉइस हो गला एगुड़ा कौन आप कौन आप मानी एगुड़ा कौन गोटे आम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किंतु रेस्ट्रिक्टेड रेस्पन्स टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन एगुड़ाक आपर ऑब्जेक्टिव नुहे रेस्ट्रिक्टेड आप न देखिए आपको ओपन एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन दे मुक्त उत्तर प्रश्न देटा मानक ऑब्जेक्टिव नुह आप लॉन्ग आंसर टाइप दे दीर्घ उत्तरमूलक देखकर कौन ना ऑब्जेक्टिव टाइप नुह कहीं आपर क्वेश्चन जो रिपीट करुच्छी से खाली गोटे गोटे ऑप्शन चेंज कर रेस्ट्रिक्टेड रेस्पन्स टाइप स्वल्प उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक यहाँ देखिए मे बी आपको दे दीर्घ उत्तरमूलक ये लॉन्ग आंसर टाइप दे लॉन्ग आंसर टाइप टाक अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज एक्टिविटी बेस्ड से कहते गणितर गणितिक शिक्षा पद्धति कर्मभित्तिक केउटा अटे क्यों गणितिक शिक्षा पद्धति कर्मभित्तिक अटे क्यों गणितिक शिक्षा पद्धति कर्मभित्तिक अटे कौटा आम कर्मभित्तिक आम कौन आम प्रोजेक्ट मेथड बा प्रकल्प ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट देयर इन टीचर्स हैंडबुक से कहते आम शिक्षक सहायक पुस्तिकार कौन न था शिक्षक सहायक पुस्तिकार कौन न था टीचर्स एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स टीचिंग मेथड देखु शिक्षक रही टीचर्स हैंडबुक रही कौन रोचे ना इवैल्यूएशन केमती करा विषय मेंशन रोचे प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड टीचिंग आमर जो शिक्षादान उपकरण केमती आप प्रॉपर वे यूज करता विषय मेंशन रही टीचिंग मेथड कौ मेथड पढ़ले पाला आमर टीचिंगटा इफेक्टिव मोर इफेक्टिव हो पार सेटा मेंशन रही कि टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर एक्सपीरियंस के टीचर हैंडबुक मेंशन न थाए तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर शिक्षक अभिज्ञता ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अचीव्ड बाय ए चाइल्ड एज रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन से कहते गणित शिक्षा लाभ करने द्वारा शिशु निम्नोक्त क्यों गुणर अधिकारी होता है चार ऑप्शन दे आप संक्षिप्त अभिव्यक्ति क्रमानुसारी अधिक श्रृंखला ज्ञान ना ये समस्त तो देखु कौटा आप मानक आमर कौ गुण अधिकार हो शिशु तो आम देखो प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑर्डरली मोर नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन तो सब गुड़ाक हुए तो ऑप्शन नंबर डी ए समस्त बा ऑल ऑफ दिज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कोस्कोलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन मैथमेटिक्स से कहते गणित सहपाठ्य कार्यक्रम दृष्टिकोण केउटा भिन्न गणित मेला क्विज क्लब ना प्रकल्प तो देखु व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कोस्कोलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन मैथमेटिक्स तो आमर कोस्कोलास्टिक स्कोलास्टिक मैंने पाठ्यपुस्तक पर कोस्कोलास्टिक मैंने आम रही जो आपर को करिकुलम रही करिकुलम बाहर से तो देखु ये मैथमेटिक्स फेयर रही मैथमेटिक्स क्विज दे मैथमेटिक्स क्लब दे मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट दे तो ये क्वेश्चन आप कौन हम कोस्कोलास्टिक व्यूर आप मैथमेटिक्स प्रोजेक्टा स्कोलास्टिक आसूँ कोस्कोलास्टिक नुह बाकी आप गणित मेला क्विज गणित क्लब ये तीन टाक हूँ आम कोस्कोलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रे आसुची तो ऑप्शन नंबर डी हो गणित प्रकल्प मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ऑफ द कोस्कोलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन सी गाणितिक धारणा हासिल करिवार शिक्षार्थी बारंबार विफल हेले विफलतार कारण जानिया पई क्यों प्रकार मूल्यायन साहाज्य निया जाय थाए तो देखंतु विफलतार कारण जानिया पई आम को प्रयोग मूल्यायन करिवा समाप्ति सूचक ना व्यवस्थान ना गठनमूलक ना निदानात्मक जदि कौन विफलता कौन डिफिकल्टी आम आईडेटिफाई करने को चाहूँ जानवा चाहूँ तेल कौन करवा आम निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक टेस्ट कले आम जापर पाटार कौन कौन पर तार विफलता रोचे कौन से डिफिकल्टी कौट से बुझीपार नहीं आम जापर निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक टेस्ट रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज एक्टिविटी बेस्ड से कहि या भितर ये क्वेश्चनटा आम दुई थर आसी यहाँ कौन कौन कौ आम क्यों गाणितिक शिक्षा पद्धति क्रम भित्तिक अटे यहाँ प्रोजेक्ट मेथड ये आम रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स व्हाट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन से कहि वास्तव संख्यार संज्ञा लेख यही प्रश्न क्यों शैक्षिक उद्देश्य आमर साधन करुच्छी कौ शैक्षिक उद्देश्य को साधन करुच्छी आमर संज्ञा लेखा सूत्र मन रखा से कह संज्ञा सूत्र ये सब कौन आमर मन रखा कह तो नॉलेज बेस्ड अटे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ज्ञानात्मक अटे ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सम ऑफ टू इवेन नंबर इज इवेन व्हाट मेथड शुड बी फॉलोड टू टीच इट एट प्राइमरी लेवल से कहि जेकोसी दुईट जुग्म संख्यार जोगफल जुग्म संख्या अटे प्राथमिक श्रेणी में यार शिक्षादान निम्ते क्यों पद्धति अवलंबन होचित तो देखो दुईट जुग्म संख्या गोटे जुग्म संख्या दुई आ गोटे आप चार तो दुई चौक के आठ है गुणन कला कौन हाँ गुणन से जोगफल देसी दुई प्लस चार के आम छाला छः गोटे जुग्म संख्या अटे तो ये कौन कले ना प्रथम एग्जाम्पल ने एग्जाम्पल रू नहीं कि आप सूत्र आम जा सूत्र पहुँचिले तो आम दुई प्लस चार बीस छः तो एग्जाम्पल रू आम जाए जी सल्यूसन पाँच तेल कौन से आपर इंडक्टिव मेथड हम कौन हम आरोहण पद्धति इंडक्टिव मेथड ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम द कंक्लूजन से कहि गणित शिक्षादान क्यों पद्धति सिद्धांत रु प्रमाण आड़ को सिद्धांत रु प्रमाण आरंभ हुए सिद्धांत रु प्रमाण आरंभ हो प्रूफ स्टार्ट्स फ्रॉम द कंक्लूजन कंक्लूजन रु प्रूफ स्टार्ट हो सिद्धांत रु प्रमाण आरंभ होता गणित कौ मेथड रे कौ मेथड रे ना यहाँ आपर यहाँ हूँ आम विश्लेषण मेथड बा एनालिसिस मेथड ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचर्स बिगिन फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव्ड एंड अराइव्ड अराइव्स एट व्हाट आर गिवन तापर देखिए आप आउट ऑप्शन देखिए आमर स्टेटमेंट देखिए इन द एनालिटिक मेथड द टीचर स्टार्ट्स फ्रॉम द गिवन डाटा एंड अराइव्स एट व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू प्रूव से दुटा ऑप्शन देखिए देखो दुटा आम स्टेटमेंट देखिए गोटे देखिए संश्लेषण पद्धति सिंथेटिक मेथड बा सिंथेसिस कहीपर सिंथेटिक मेथड बा संश्लेषण पद्धति शिक्षक प्रामाण्य रु आरंभ करके दत्तरे पहुँचते प्रामाण्य आरंभ करके दत्तरे पहुँचुंट आ विश्लेषण पद्धति कौन हो शिक्षक दत्तरु आरंभ कर प्रामाण्य पहुँचुंट तो ये दुटा भर कौ उक्ति ठीक बोली पचार देखु आपर संश्लेषण पद्धति प्रामाण्य आरंभ कर दत्तरे पहुँचुची एटा ठीक अच्छी एटा ओके तापर विश्लेषण पद्धति आम जो सिंथेसिस रही सिंथेसिस एनालिटिक मेथड बा विश्लेषण पद्धति रही एनालिसिस कौन हो आपर दत्तरु देव किसी डाटा देठ आरंभ करके प्रामाण्य पहुँचते तो यू कौन यहाँ आमर कौन ना यहाँ भी आम ठीक अच्छे तो दुटा जाक आम स्टेटमेंट ठीक अच्छे आम दुटा जाक ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर सी है उभय वन आउ टू इज ठीक बोथ वन एंड टू आर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट व्हाट टाइप क्वेश्चंस इज इट से कहि गोटे त्रिभुज समस्त कोणर परिमाण समान है यह क्यों त्रिभुज कहुए यह क्यों प्रकार प्रश्न गोटे त्रिभुज तीन कोणर परिमाण समान होता कौन हम यहाँ समकोणी त्रिभुज बोली कह जाए तो यहाँ कौ टाइप प्रश्न यहाँ मन रखी थे आप कहे तो यह कौन होगा बहुविकल्प मान ऑप्शन तो ना कि निर्वाचनमूलक नुह कि संपर्क स्थापन नुह एनालिटिक टाइप नुह तो एनालिटिक टाइप केमती ओडिशा भुवनेश्वर भारत दिल्ली एमती किसी से देनी तो ये कौन हम ये आप मन रखी थे जस्ट मन रखी थे त्रिभुज तीन कोण समष्टि केते डिग्री तो 180 डिग्री तो त्रिभुज तीन कोण मिसले तीन कोण समान है कौन हम सीटा समकोण त्रिभुज व समबाहु त्रिभुज कह जाए तो यहाँ मन रखी आम कह कथा मानने रिकॉल टाइप क्वेश्चन स्मरण मूलक प्रश्न अटे रिकॉल टाइप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप
नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन 7 to 12 इयर्स ओल्ड इज नोन एज से कहे पियाजे मत अनुसार 7 to 12 वर्ष बयस मध्य घटुवा ज्ञानात्मक विकास को कौ पीरियड बोली कहुए कौ पीरियड अंतर्भुक्त 7 to 12 आपची सेंसरी मोटर आपत सेंसरी मोटर अच्छी 0 to 2 years 0 to 2 years जन्म 2 वर्ष प्रिय प्रश्न 2 to 7 years कंक्रीट ऑप्शन 7 to 12 तो आप रहा कौन है आप सेंसरी मोटर हो 0 to 2 प्रिय ऑपरेशनल 2 to 7 कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 12 आउ फॉर्मल ऑपरेशन हो 12 to 7 बा एबव तो आप पचार कौन ना 7 to 12 कौन हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बा स्थूल संकार्य धर्मी हम ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर यहाँ अपन नॉर्मल सीडी बी सेक्शन में पचार चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पियाजेट क्वेश्चन से पचार मैथ्रे आपर पचार नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द पायनियर ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो किए से पचार एजुकेशन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पायनियर किए तो आम करेक्ट आंसर कम ना बी एस ब्लूम बेंजामिन एस ब्लूम ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैथमेटिक्स इज द साइंस व्हिच ड्रॉस नेसेसरी कंक्लूजन्स हु सेड दिस ये क्वेश्चन टा किए कहते लके हगवन ना बेंजामिन पियर्स ना गैलीलियो तो मैथमेटिक इज द साइंस व्हिच ड्रॉस नेसेसरी कंक्लूजन ये स्टेटमेंट किए देखते बेंजामिन पियर्स ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर बेंजामिन पियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट एटीट्यूड फॉर द टीचर्स से कहते ये 4 जो ऑप्शन देखिए या भितर कौटा गोटे शिक्षक राइट एटीट्यूड नुहे बोली से पचार देखो टू एनकरेज द इमेजिनेशन ऑफ द लर्नर टेकिंग केयर ऑफ द लर्नर ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स इक्वली कंपेयरिंग द लर्नर्स एज पर देर कैपेबिलिटी बा एबिलिटीज तो देखु गोटे टीचर आटीट्यूड कौन हम दरकार ना पे इमेजिनेशन केमती एनकरेज करेंगे एनकरेज करने दरकार आउ पाकर केयार ने दरकार जत्न ने दरकार आउ समस्त लर्नर को सामान दृष्टि देखा दरकार समस्त को सामान दृष्टि देवा आवश्यक तो तीन टा जाक गोटे टीचर आटीट्यूड अटे कौटा नुहे से पचार ऑप्शन नंबर डी हो कंपेयरिंग द लर्नर्स एज पर देर कैपेबिलिटी से मानकर एबिलिटी हिसाब से दक्षता हिसाब से पिला कंपैरिजन करवा यहाँ ठीक नुह तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज मोर यहाँ आप रिपीट हो जाए क्वेश्चन आम देखी ऑलरेडी तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्य क्योंटी विश्लेषण पद्धतिर त्रुटि अटे विश्लेषण पद्धति आमर जो आनालीसीस मेथड रही तार त्रुटि कौटा अटे कौटा फल्ट अटे बोली से पचार प्रारंभिक विद्यार्थी यह अनुपयुक्त आप मानकर स्वल्प स्वशिक्षण अनुपयुक्त विद्यार्थी मनरे सन्देह दूरभूत कर न था शिक्षण दीर्घस्थायी हो न था कौटा त्रुटि बोली से पचार देखु ये आपर क्योंटा विश्लेषण पद्धति त्रुटि अटे तो देखो शिक्षण आम दीर्घस्थायी थाए तो आम हो नाइटा तो आप हेनी तापर विद्यार्थी मन सन्देह दूरभूत कर न था तो करें यहाँ भी आपई स्वशिक्षण अनुपयुक्त अटे आउ प्रारंभिक विद्यार्थी अनुपयुक्त अटे कौटा त्रुटि यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी आरोह पद्धतिर वैशिष्ट नुहे आरोह पद्धतिर कौटा गोटे तार क्यारेक्टर नुहे से पचार आविष्कार मनोवृत्तिर विकास सन्देह दूरभूत होगा मुखस्थ कर शिक्षालाभ करवा शिक्षण दीर्घस्थायी होगा तो देखु आपण मानकर आरोह पद्धति सन्देह आमर दूरीभूत होटा ठीक अच्छे आविष्कार मनोवृत्ति विकास होटा भी ठीक अच्छे आउ शिक्षण दीर्घस्थायी होटा भी ठीक अच्छे किंतु आप मुखस्थ कर शिक्षालाभ करवा यहाँ आपर ऑप्शन नंबर सीटा यहाँ आमर आरोह पद्धतिर वैशिष्ट नुहे मुखस्थ कर शिक्षालाभ करवा आरोह पद्धतिर वैशिष्ट नुहे ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट अटे
पाठ प्रति भय दूर हुए, आनंददायी हम, सहभागी शिक्षण हुए, उपरोक्त समस्त क्रीड़ा पद्धति बा प्ले वे मेथड आमर जो इंग्लीश रे देखिबो प्ले प्ले वे मेथड तो आमर कौन हम पाठ प्रति भय दूर हो आनंददायी अटे आउ सहभागी पे पार्टिसिपेट करते प्ले वे मेथड मैंने क्रीड़ा पद्धति समस्ते भाग नि तो ऑप्शन नंबर डी हो उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गणित समस्या समाधान कौशल होस प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इनवॉल्व्स तो चार ऑप्शन एस्टिमेशन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस यूज ऑफ फॉर्मूलास और क्लूज एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टा सब एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर शिक्षण कार्य पंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अजुग्म संख्या को अजुग्म संख्या रे गुणन कले गुणफल एक अजुग्म संख्या हुए यही तथ्य शिक्षादान तुम्हें क्यों शिक्षादान प्रणाली को अवलंबन कर क्वेश्चन आप देखते अजुग्म संख्या तीन आउ अजुग्म संख्या पाँच गुणिले के पंदर यहाँ अजुग्म संख्या आसा कौन कले आम एक्जामपल नहीं आम समस्या समाधान कले सूत्र पहुँचिले साधारण शक्ति उपनीत हेल्ले कौन हम ये आप आरोह पद्धति हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आरोह पद्धति बा इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति को कौन कह जाए सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने पद्धति कौन कह जाए आरोह ना अवरोह ना क्रीड़ा ना कौन सी नुह तो सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान करने उचित अवरोह पद्धति अवरोह पद्धति ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भिन्न भिन्न क्षेत्र में परीक्षण कर एक साधारण सत्य उपनीत होगा क्यों पद्धति कहुए भिन्न भिन्न क्षेत्र में परीक्षण कर एक साधारण सत्य उपनीत होगा कौन कह जाए आरोह अवरोह विश्लेषण ना क्रीड़ा तो देखो भिन्न भिन्न क्षेत्र में परीक्षण कर एक साधारण सत्य उपनीत होगा कौन कह जाए ना आप आरोह पद्धति कहुए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आरोह पद्धति कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों टी क्रीड़ा पद्धतिर एक त्रुटि अटे क्रीड़ा पद्धतिर कौटा त्रुटि बोली से पचारि पाठ योजना प्रस्तुति कष्टकर समय सापेक्ष जटिल प्रश्नर समाधान हो पारे ना ना उपरोक्त समस्त देखते क्रीड़ा पद्धतिर त्रुटि होची पाठ योजना प्रस्तुति कष्टकर हुए यहाँ भी ठीक अच्छे यहाँ भी त्रुटि अच्छी समय सापेक्ष यहाँ भी समय भी लगुच उपरोक्त जटिल प्रश्न समाधान हो पारे ना यहाँ भी समाधान भी हो पारे आमर क्रीड़ा पद्धति तो सब गुड़ाक त्रुटि अच्छी तो ऑप्शन नंबर डी हो उपरोक्त समस्त तो आज जो आम थंबनेल क्वेश्चन को आम देखने से आम डिस्कसन करने थंबनेल जो अच्छी क्वेश्चन तो क्वेश्चन रही क्योंटी अवरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य अटे बोली से पचारि स्मृति शक्तिर विकास साधन स्मृति शक्तिर विकास साधन समस्या समाधान संक्षिप्त और सहज हुए समस्या समाधान गति और दक्षता त्वरान्वित हुए तो देखते ये ठीक अच्छे आप उपरोक्त समस्त चार्ट ऑप्शन देखिए देखो अवरोह पद्धतिर वैशिष्ट हो समस्या समाधान संक्षिप्त और सहज हो सूत्र पकईदे सर्टकट हो समस्या समाधान गति गति और दक्षता त्वरान्वित होटा भी ठीक अच्छे स्मृति शक्ति विकास साधन होटा भी ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। तो फ्रेंड्स ये थी टोटल आप 35 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 35 के स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।